जय हो कोटद्वार के नौजवानों की जय जयकार हो। करते फिर वो चली गई, बच्चे स्कूल से आने वाले थे। और यहाँ पे उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि जी, गुरुजी हमारे हिंदू समाज, और गर्व होता है हमें नारी होने पर कि आपने हमारे उत्तराखंड का नाम बहुत रोशन किया। और इनको एक मशरूम गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर उपस्थित श्री दिलबर सिंह रावत जी, पूर्व राज्य मंत्री, यहाँ मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। श्री सी के कुमार जी, मोदी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। श्री नरेंद्र गुसाई जी, श्री प्रदीप पुराकोटी जी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी में यहाँ पे आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। श्री अग्रभाग्य आपके कारण प्राप्त हुआ है कि हम इतने महान हस्तियों के सामने और हम उनसे मिल पा रहे हैं। कोटद्वार में आपके कारण हमारे चौहान परिवार में, हमारे घर में उनके कदम पड़े। मैं उनका फिर से अपने चौहान परिवार की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से आप सबका एक बार पुनः दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर हम अपने गुरुजी से दो शब्द हम सबके लिए सुनना चाहेंगे। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जो आपका आशीर्वाद, आप बड़ों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे जो मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी बोलूँगी कि हमको ऐसा बनना है। अपने उत्तराखंड की नारियों से मैं बोलना चाहूँगी, हमें ऐसा बनना है, हमें अपने उत्तराखंड का नाम बहुत रोशन करना है। हमारे पीछे बोलते हैं ना कि एक आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बहनें जो होती हैं वो बहुत ही कर्मठ होती हैं, वो हमेशा सपोर्ट करती हैं। और आज दिव्या जी को यहाँ देखकर मैं अब कितनी गौरवान्वित कर रही हूँ अपने आप को, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हमें आपसे मिलने का मौका मिला। और मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय बद्री विशाल, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपकी बदौलत ये देश बच रहा है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा आज ज़्यादा बोलूँगा, बोलता नहीं 2-3 मिनट सुपर मेरा बोलने का लक्ष्य है भी। आज एक ये है, आपको बता दें इसे राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। दो राष्ट्रपति ने नारी सम्मान से सम्मानित किया। तो क्या कर तू इन कर तू जरा पर गाँव में जाकर कुछ कर। ये लड़की देखिए आप, इसने स्वीकार किया, सीधे अपने गाँव नंदप्रयाग में इसने पहला प्रोजेक्ट कहा कि अपने गांव से शुरुआत। और अपने गांव से शुरुआत किस लड़की ने, इतनी मेहनती लड़की है ये। 18 घंटे, आप विश्वास करिए कोई 18 घंटे जागता नहीं होगा, क्योंकि इसको लैब देखनी होगी। जिस लैब में कीड़ा जड़ी पैदा कर रही है, उस लैब में इसको हर दो। एक सौभाग्य मेरा किस लड़की ने स्वीकार किया कि गुरु जी कि जब तक हम अपने पूर्वजों की संस्कृति को सुरक्षित करेंगे, इस धन का भी क्या करें। आज ये लड़की इस रूप में है कि वो कहती मुझे लाल वस्त्र पहनने में छोड़ रही हूं। उसके भाई भी हो गए यहाँ पर, राजपाल, राजपाल कहाँ है, देखो राजपाल पीछे बैठा हो, भाई साक्षी है उसका। वो कहती है कि मुझे मैं काम के साथ साथ धर्म के लिए काम करूंगी, जो मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया उसके लिए काम करूंगी। तो मैं इस बेटी को हमेशा महान मतलब इसको प्रणाम करता हूँ कि धन्य हो बेटी तू और धन्य है तेरे माता पिता जो तूने इतना बड़ा जज्बा तेरे अंदर पैदा किया। और से हजारों दिव्याओं को पैदा करना वो उत्तराखंड के अंदर, तब उत्तराखंड की तकदीर भी बदलेगी और तदबीर भी बदलेगी, हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। जब एक दिव्या तुम 3.5-4 लाख रुपए किलो की जड़ी बेच सकती हो, क्या उत्तराखंड का इतने सारे नौजवान है, क्या उद्योग नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं लोग अगर इनके अंदर यही एकाग्रता हो, कुछ करने की इनके मस्तिष्क में कुछ हो कि हम कुछ करें। आज दिव्या ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, 8 लाख रुपए किलो, जो मशरूम काम कर रही है, विदेशों में रहती है हमेशा। उसका एक अगर वो आज यहाँ है तो कल वो मलेशिया चली जाएगी, थाईलैंड चले, क्योंकि सीखना उससे जानना है। फिर मैंने एक दूसरी चीज देखी, डिब्बे के बाद जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते सब पैसे वाले, सब वैज्ञानिक, सब डॉक्टर, पहाड़ का कोई राज नहीं। तो मैंने इसे कहा दिव्या क्या बात है यार, ऐसे क्या है तेरे में? जितने भी लिस्ट देख रहा हूं मैं सब अमीर लोगों की है, तो क्या ये तो अमीर लोगों को सिखाएगी? तो पहाड़ के लोगों के जिनका पैसा नहीं है उनको नहीं सिखा पाएगी। इसलिए मैं मुझसे कमिटमेंट किया कि कुछ अगर पहाड़ का कोई भी नौजवान, कोई मातृशक्ति अगर कीड़ाचारी के बारे में जानकारी लेना चाहेगी, मैं उसे निःशुल्क अपनी लैब में शिक्षित करूंगी, ये इसका मेरे से वादा है। एक दूसरा चरित्र आपके सामने आदि होगी जी, एक भी चरित्र है, ये एक धनाढ्य परिवार से आते हैं, 5 स्टार 7 स्टार क्या स्टार होते हैं जो, मन का जीवन वही बीतता था। ये बड़े बिल्डर थे, बड़े काम किए उन्होंने, हरिद्वार में कई 100 करोड़ के काम किए, नोएडा में। अचानक ही मेरे संपर्क में आए तो कुछ मन की इन्होंने एक बात पूछी, स्वामी जी कोई चीज ऐसी है जिसकी सीमा ना हो, खत्म हो जाए सीमा? मैंने कहा मेरे जैसा बन जाओ सीमा खत्म हो जाएगी। विश्वास करना आप 10 दिन के अंदर इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और आज आपके सामने बिल्कुल एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, सामान्य से भी सामान्य, परंतु उनका एक लगाव है, वो देवभूमि से बहुत प्यार करते हैं, इसकी संस्कृति से प्यार करते हैं, क्योंकि ये देवभूमि एक हमारे कहने मात्र से नहीं, यह हिंदू धर्म का उद्गम है। इसी धरती से हिंदू धर्म सनातन का उद्गम हुआ और आज वो धरती हर जगह बहुत सुंदर। मैं इस कोटद्वार की पृष्ठभूमि से बहुत वाकिफ हूँ। सन 80-82 में अपने दलीप जी, आज जो महंत जी हैं, मंदरा कुछ ऐसे परिस्थितियाँ हुई कि मैंने कोटद्वार कम आना शुरू किया। मेजर डीडीएस रावत थे यहाँ पर, उनको उत्तराखंड क्रांति वाहिनी से जोड़ा है कि मेजर साहब भी तुम कुछ करो, तब भी हमने वही किया। और आज फिर हम धर्म संस्कृति किससे बात कर रहे हैं कि भाई एक बात तो पूछो, हमारे पूर्वज चबूरी क्यों गए पहाड़ों में? क्या कारण था कि वो बहन बेटी और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए गए वो लोग, और प्रकृति से लड़े, ना पैर में जूता, ना किसी ने स्वेटर पहनी होगी उस समय, ना गर्म कपड़े, कुछ नहीं, फिर भी उन्होंने अपने बहन बेटी की अपनी संस्कृति की रक्षा की। बताइए आपके घर कितना बड़ा परंपरा, आपकी आपके इष्ट देवता है, आपका ग्राम देवता है, बताइए कहाँ उन्होंने हमें फायदा, क्योंकि गांव हमारा इसका भी देवता है, फिर क्षेत्रपाल है ये भी हमारा देवता है, उन्होंने हमारी संस्कृति को संजो के रखा। आज देखिए आप अपने ग्राम देवताओं को भूल चुके हैं। मुझे लगता है कि भाई इसके अंदर कोई जाएगा नहीं, वही जाएगा जो इस देवी देवता को पूजता होगा। आज क्या कर दिया हमने, हमारे मंदिर को मुसलमान बना रहा। बताइए आप सोचिए, आपके पूर्वजों ने अगर कोई मुसलमान आया भी होगा आपके गांव में, कुछ चूड़ी फुजड़ी लेके, क्या यही काम था उसका? तो आपने रहने के लिए कहा दिया उनको, गौशाला में। और आज हम बोले मुसलमान भाई जी पितरे जा पितर दूध पे ले, तो तब तो लड़कियां भाग रही है। अरे बुरा हाल है पहाड़ का, मैंने स्कोरदार की 10 लड़कियों को बचाया, मैं नाम क्या बताऊं स्कोरदार की। अच्छे परिवारों की पढ़ी लिखी लड़कियां, तो क्या कारण है? कुछ तो कारण है जो कि आज हमारी बेटियां संस्कृति रूपी बेटी होती है। एक बात ध्यान रखना, पहाड़ में कहते हैं कि बेटी जा अपने घर जा, उस घर को ऐसा बनाना स्वर्ग बनाना, तो वो संस्कृति दे रही उस परिवार को। पर आज हमारी संस्कृति रूपी बेटी पर भी धक्का डाला जा रहा है। तो आप ये सोचिए, क्या राज्य हमने से बनाया कि हमारा धन भी चौपट, हमारा काम भी चौपट, और जो हमारे पर एक बेटी बची वो बेटी भी अब जिहादियों के हवाले। तो मैं विशेष रूप से बाहर के लोगों ने एक बात जरूर कहता हूं, किसी को गुस्सा आए तो बहुत अच्छी बात है कि जिन बेटियों को आप अपने खून पसीने की कमाई से पढ़ा रहे हो, कोई डॉक्टर बनाने के लिए, कोई पीसीएस, कोई आईएएस, परंतु अगर 20 साल आप ऐसे ही रहे तो ये बेटियां जिहादियों के घरों की बेगमें होंगी। ये याद रखना, आप एक न एक दिन आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी किसी न किसी जगह से। और ये काम मैं बहुत छोटे स्तर पर कर पाता हूं, क्योंकि जब तक जनता का जागरूक ना हो। कोटद्वार पे कितनी घटाई हुई आपके यहाँ बताइए, सब चुप, किसी ने जबान नहीं खोली। अरे भैया आज उसकी बारी है, कल तेरी भी तो बारी होगी, कहाँ बच रहा तू? तो जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, आज लैंड यार इस कोटद्वार में बताइए वो जो बस अड्डा है, 10-12 है, और आज कोटद्वार मुसलमानों से भर गया। बताइए आप, कुछ लोगों ने वोट बैंक के लिए भरा और कुछ हम ही लोगों ने स्वार्थ के लिए भर दिया, क्योंकि वो किराएदार देते हैं। तो सन 80 का कोटद्वार आज कहाँ जा चुका है। बेबस कोटद्वार को देख करके मैं, कोटद्वार की हालत बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो चुकी है। अगर पूरे उत्तराखंड में अगर किसी शहर की स्थिति बिगड़ी वो कोटद्वार है, जिससे कोटद्वार के समान तो हो। मेरे नौजवान साथियों को पता नहीं कौन इसमें भविष्य बन जाए हमारा। अगर हमारी बात अगर वो चलेगा तो शायद हमारी संस्कृति की रक्षा करेगा, हमारी बहन बेटी की भी रक्षा करेगा, और हमें आर्थिक रूप से मजबूत होने में कुछ काम करेगा। आपको बताता हूं, आप आज उत्तराखंड के अंदर सब कह रहे बेरोजगार है, हर कोई, हर घर में बेरोजगारी का रोना है। कोई घर नहीं मिलता मुझे जहां पर ये बात ना आती हो कि यार मेरे नो नहीं। बस आज आपको बताता हूं पर डे की बात, राज्य बनने से पहले कहीं सुना आपने पहाड़ में, आप लोग होंगे, कहीं आपने हालाल का मिर्च सुना? आज 25 करोड़ पर डे 4000 दुकानें उत्तराखंड में रजिस्टर्ड हलाल की, तो 25 करोड़ का मीट बेचते हो, 25 करोड़ का, और आप क्या हैं? बेरोजगार। आप क्या हो? बेरोजगार हो आप, और वो 25 करोड़ का सिर्फ मीट पीछे रहे। आप सोचिए, आप आज इस उत्तराखंड में, कभी हमारे उत्तराखंड में गांव से सब्जियां आती थी, आज इस उत्तराखंड में 12 से 15 करोड़ पर डे की सब्जियों का व्यापार हो रहा है। वो भी किसके पास? उन्हीं के पास, कुछ नहीं। आज उत्तराखंड तब भी बेरोजगार। 10 से 20 करोड़ पर डे स्मैक की व्यापार होता है। स्मैक पैसा वो ले जाते हैं हमारा, और हमें जो है बेघर छोड़ जाते हैं। बताइए, हमारे बच्चे स्मैक के हजारों बच्चे हम देखते हैं देहरादून में, ऋषिकेश में क्या हाल हो रहा है। और उन्होंने तो सिर्फ पैसा, बताइए, जब 100 रुपए की चीज 500 में बिक रही है और हम दे रहे हैं, तो हमें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया उन लोगों ने। हम कहते हैं कि अगर भाई तुम्हें कुछ भी करना है, जब तक इस क्षेत्र का माफिया नहीं होगा, सब माफिया बाहर के, तो तुम्हारा संरक्षण कौन करेगा? तुम्हारे नेता तो माफियाओं का संरक्षण करेंगे। तो हमारा आदमी हर जगह मजबूत चाहिए हमें। हम कह रहे तस्करी भी करें तो हमारा आदमी करे, हर काम हमारा आदमी करेगा, तब तो आपकी आर्थिक लड़ाई मजबूत होगी। आज बाहर से हर जगह जाओ, लैंड याद। अरे देहरादून शहर का यह हाल कर दिया, आपको बताता हूं मैं। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले हम तो कह रहे कीड़े पड़ेंगे इन पे जिन्होंने राज्य बनाया, हम तो प्रायश्चित कर रहे हैं। प्रायश्चित कौन सा राज्य बनाया, क्या सपना दिखा दिए और चुपचाप बैठ के घर में। इनको प्रायश्चित करना पड़ेगा इन ताकतों को कि राज्य बनाया था पहाड़ को बचाने और बसाने के लिए, और उस राज्य ने पहाड़ को उजाड़ दिया। तो कहीं ना कहीं बड़ी कमी आ चुकी है हमारे नेताओं में भी और हमें भी। क्या नहीं था आपके पहाड़ में? आज आप ही देखिए आपके कश्मीर में। मैं 16 साल कश्मीर में रहा और मैंने भारत सरकार के लिए काम किया रॉ आईवी के बीच में। 16 साल काम नहीं होते तो मैंने देखा उनको पलायन नाम की चीज नहीं। आपके बगल में हिमाचल है, पलायन नाम की चीज नहीं। कम से कम वो बाहर रहते हैं, हमारे तो प्रवासियों में खा लिया हमें, जिन्हें आप प्रवासी बोलते हैं वो पहाड़ का हिस्सा खाते। ध्यान रखना मेरी बात को। अब आप बोलो कैसे खाते हैं? गांव कभी नहीं आया हो आदमी और डोमिसाइल बनाने के लिए ढूंढ रहा टॉर्च में मेरा गांव कहाँ हुआ। डोमिसाइल को बनाने के लिए गांव ढूंढ रहा हो, पूछ रहा यार मेरे गांव पर पेड़ो खा जो फलाने फलाने जगह याद ही उसको। और तब जाके उसके बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला ले रहे हैं। और पहाड़ में रहने वाले का बच्चा एक बच्चा नहीं मिलेगा, वही उसी बिस्ट का बच्चा मिलेगा जो बेंगलोर में रहता है, उसी नेक का बच्चा मिलेगा जो चंडीगढ़ में रहता है। जो पहाड़ में रहने वाला पैनुली है, जो असवाल है, जो रावत है, उसके बच्चे तर तर भटक रहे हैं। तो बताइए इन प्रवासी लोगों ने अपने घरों में कभी वोट देने का प्रयास नहीं किया। अरे भाई हिमाचल में देखो ना, उन्होंने ठीक है दिल्ली में नौकरी करते हैं, कहीं करते हैं, 10 आदमी हैं, उन्हें 6 आदमियों का वोटर कार्ड अपने यहाँ का बना रखा है। और हम लोग आधे बाद में हैं और वोटर कार्ड हम पहले यहाँ का बना लेते हैं। तो कुछ नई बात सोचनी पड़ेगी अगर इस उत्तराखंड को बनाना है, इसको बचाना है, अगर राज्य का जो ऑब्जेक्टिव था उसे पूरा करना है, तो हमें धर्म संस्कृति और साथ साथ में इसमें उद्योग। हमारे पहाड़ों में बहुत कुछ है। आज रामदेव बाबा बताओ अरबपति बन गया किसके पीछे? अरे आप लोगों के पीछे। नाम आपका है, पता नहीं वो कर्नाटक का बेच रहा है, पता नहीं कहां का बेच रहा है, वो भगवान जाने। तो आपके हिमालय के पीछे एक आदमी आपके बगल में, आपके पड़ोस में खराबपति बन गया। अरे हम वही के वही, हम हिमालयवासी, कहीं ना कहीं हमारी कमी है। तो आज धर्म से हम कमजोर पड़ चुके हैं, और जब आदमी धर्म से कमजोर होता है तो बेकार हो जाता हो। आप विश्वास करना, अगर आपके पूर्वजों ने धर्म, अगर उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया होता तो बाहर नहीं जाते, वो यहां ही रहते। जब मैं मैदान में जाता हूं, पूरी उत्तर प्रदेश जाता हूं, मुसलमान, रावत मुसलमान, दंगमान। अब मतलब मेरा दिमाग काम नहीं करता कि है क्या ये मामला। ये सब राणा मुसलमान और क्या वो पुनीर मुसलमान, चौहान मुसलमान, त्यागी मुसलमान। अब ये क्या हो गया मामला? क्या पूर्वज भगवान थे, देवी देवता थे। याद रखना आप लोग अपने दादा के बारे में समझो कि बार मेरे दादा बोलो ढूंगू इसको बोलो ढूंगू डोन छो। अरे क्यों सवाई वो माँ जो तेरे दादा के बोलो ढूंगू डोन छो। अरे आज तो रानी सगड़ी है। अब वो देवता थे, देवता, और तुम उनको भूल गए हो। आप सभी से एक बार रूबरू होने का मौका मिला और एक बार फिर से मैं आज कोटद्वार में आई। मैंने काफ़ी सालों से मशरूम की शुरुआत करी है और 10 साल हो चुके हैं। आज इतना अच्छा लग रहा है इस तरह से आप लोगों से कनेक्ट होना, आप सभी लोगों से मिलना। मैं खुद चमोली गढ़वाल की रहने वाली हूँ और चमोली गढ़वाल में भी काफ़ी मशरूम लगाई है। कोटद्वार में बहुत बार आई हूँ, मशरूम हम लोगों ने ग्रो करा है। बट आज स्वामी दर्शन भारती जी के द्वारा, मेरे गुरुजी के द्वारा आप सभी के साथ एक अवसर मिला कि हम लोग मशरूम, स्वरोजगार और अपने आप में एक सेल्फ अवेयरनेस की बात, हम आज पहाड़ के इस मुद्दे को लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। मेरा ये सौभाग्य है। स्वामी जी से कई बार बात होती है और वही उनका सपना है, जिस वजह से जो मुझे आज बहुत खुशी दे रहा है, क्योंकि वो मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि दिव्या, एक दिव्या से क्या होगा, एक दिव्या रावत से क्या होगा। तो वही मैं आप सभी से पूछ रही हूँ कि एक दिव्या रावत से क्या होगा। हम सभी को एक साथ मिलकर स्वामी जी के आशीर्वाद। मेरा भी मिशन है पहाड़ के पलायन को रोकना और रोकना और स्वरोजगार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उत्पन्न करना। तो ऐसी कई हजारों दिव्या रावत हमको चाहिए और उस दिव्या रावत में आप मातृशक्ति का बहुत बड़ी भूमिका है और यूथ भी। इट्स नॉट अबाउट कि दिव्या रावत जो है सिर्फ मेल या फीमेल की जेंडर की मैं बात कर रही हूँ, मैं आपसे एक स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे आज कोटद्वार की गीत मुझे जाती है कि हम सब जब साथ मिलकर स्वामी जी के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ेंगे तो कहीं हजारों दिव्या रावत, युवा, महिला, जो भी, हम सब आगे बढ़ेंगे और कई हजारों दिव्या रावत बनेंगे। और हम इस पहाड़ में जो पलायन है और जो आर्थिकी एक सबसे बड़ी हमारी सोशल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास रोजगार का साधन ही नहीं है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत और यही मेरे सबसे बड़ी परेशानी थी। मैंने दिल्ली में से एमिटी यूनिवर्सिटी से नोएडा से अपना बैचलर्स इन सोशल वर्क और मास्टर्स इन सोशल वर्क किया और यही देखा कि महज 4-5 हज़ार रुपये की जॉब के लिए लोग अपना घर और अपना गांव सब कुछ छोड़ के पहाड़ों से शहरों की तरफ पलायन करके जा रहे हैं। और क्या होता आप लोग खुद से समझिए, उल्टा घर वाले पैसे भेजते हैं शहर में। अभी कोरोना आया और मेरा मानना यही है कि हम अपने गांव वापस लौट कर आए, चाहे हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, पर हमें पता है कि हम अपने गाँव में, मेरा गाँव मुझको संभाल लेगा। पर क्या हमारे पास वो श्योरिटी थी कि वो शहर मुझे 1 या 2 दिन बिना काम के रखेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा था कि हम अपने गांव में, अगर हमारे पास कोई कामकाज भी नहीं है तो भी हम सरवाइव कर सकते हैं। और उन शहरों में जहाँ पे हम इतनी उम्मीदें लेके जा रहे हैं और पलायन हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रोजगार का साधन नहीं, वहाँ पे हम 1 दिन 24 घंटा भी बिना काम के नहीं रह सकते। तो वो कैसे करके हमारी जगह, तो आज आप सभी के आशीर्वाद को मैं लेने आई हूँ। स्वामी जी का आशीर्वाद तो हमेशा से रहा है, मेरे गुरु हैं, कि जो मिशन है उत्तराखंड में पलायन को रोकना और रोजगार के, स्वरोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो उत्पन्न करना, आप मुझे मौका दे करके हम बहुत सारे मशरूम के रोज़गार यहाँ पे उत्पन्न कर पाए। और किसी की भी मशरूम से, या जैसे मैं कीड़ा जड़ी उगाती हूँ, 3 लाख 3.5 लाख रुपए किलो मैं उसको बेच रही हूँ, तो हमारे कितने यंगस्टर्स हैं जो इस काम को करना चाहते हैं। 100 रुपये किलो वाली मशरूम तो हम लोग उगाते ही हैं, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, 5000, 10000 रुपए किलो, और उसको हम 3.5 लाख रुपए किलो बाज़ार में बेचते हैं। तो अगर आपके अंदर वो जज्बा है और वो आपके अंदर वो काम करने की उत्सुकता है कि नहीं हमको भी खुद को तो डेवलप करना ही है, पर साथ में अपने आसपास की कम्युनिटी, अपने आसपास की सोसाइटी को भी डेवलप करना है, तो आप सभी का स्वागत है। आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं, हम कोई ना कोई मशरूम से रिलेटेड, स्वरोजगार से रिलेटेड यहाँ पे कोई शिविर रखें या अवेयरनेस प्रोग्राम रखें, या आप लोग देहरादून में आइए, मशरूम की ट्रेनिंग लीजिए, या कीड़ा जड़ी से रिलेटेड भी आप लोग काम करना चाहते हैं, तो मेरा सहयोग हमेशा आपके साथ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। हमारे साथ है, लेकिन आप सभी ने जो स्वागत अभिनंदन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दिव्या रावत जी, आदियोगी जी, सीके सिंह साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी सेना के, और इससे पहले मैं भी जो है मिशन मोदी 2019 में बना था, 2019 के लिए बना था, उसमें मैं भी प्रदेश अध्यक्ष था। लेकिन चलो, मैं जो है आपसे यही कहना चाहता हूँ, जैसे दिव्या ने कहा है कि भाई इस तरह से हमारी लड़कियां या युवा इस तरह से काम हो जाए, हो सकता है प्लाइन कम हो जाए। देखो मैं तो देखो टीचिंग लाइन का आदमी हूँ, मैं देहरादून में कार्बन स्कूल है उसमें 37-38 वर्षों से जो है कि टीचिंग और वाइस प्रिंसिपल हूँ, और मेरी भी 3 लड़कियाँ हैं। मेरी बड़ी वाली लड़की लेफ्टिनेंट कर्नल है आर्मी में, और एक बिटिया मेरी जो साइंटिस्ट है पार्क में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, और बेटिया, अब तीसरी बेटी मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी, वो दिल्ली में ही रहती है, और बेटा मेरा एडवोकेट है, ठीक है, सबसे छोटा बेटा एडवोकेट है। इसलिए टीचिंग लाइन में रहे तो हमने बच्चों को जो है थोड़ा सा जो है कि उसे, तो आप जो कि बच्चों, बेटा हो या बेटी हो, आप एक तो उनका कर सके, जैसे जो है कि दिव्या कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसलिए जो है कि बच्चों को जो है किसी भी फील्ड में जाते हैं उनको रोको मत, एक तो उनको ये मत कहो कि तुमने यही करना है वही करना। बहुत सारे क्या करते हैं, साइंस लेने के चक्कर में जो कि 12th करने के बाद 11, 12 में, 10th में उसके नहीं 12th साइंस ही करना है। अरे भाई जब नहीं है उसकी इच्छा तो मत कराओ ना। आजकल बच्चे, बाकी मैं स्वामी दर्शन भारती जी के बारे में सर, जैसे आप सभी को पता होगा, स्वामी दर्शन भारती जी इस राज्य के राज्य संस्थापक भी हैं, उनमें से एक है, नंबर एक है। और जैसे प्रेम बुढ़ाकोटी जी राज्य आंदोलन का, मैं प्रेम बुढ़ाकोटी जी तो मेरे बहुत अच्छे जानने वाले, मैं बुढ़ाकोटी जी प्रेम बुढ़ाकोटी जी को जानते होंगे आप। हाँ हाँ, तो मेरे बहुत अच्छे जानने वाले, इसलिए मैं प्रेम बुढ़ा है ना, तो बुढ़ाकोटी जी जैसे आंदोलनकारी, इसी तरह और ये अपना राकेश जी हैं जो रुड़की से यहाँ आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें यहाँ तक जो है आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। और बाकी बलोनी जी, सभी हमारे अग्रवाल जी, सीके सिंह साहब, बाकी मातृशक्ति, सभी को हमारा बहुत बहुत प्रणाम। और बाकी अब सारे उस विषयों पे जो है स्वामी दर्शन भारती जी अब प्रकाश डालेंगे कि क्या करना चाहिए। बाकी अब देव रक्षा भूमि अभियान की तरह उनके मार्गदर्शन में एक संगठन बनाया है, जो अभी उत्तराखंड जितनी जो जिहादी लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं और जिस तरह से के घटनाक्रम हो रहे हैं, उन घटनाक्रमों को रोकने के लिए स्वामी जी पहले से ये काम करते आ रहे हैं। आप लोग भी ताकत बनोगे, उस ताकत के साथ में काम करेंगे, जिससे कि मतलब उन जिहादियों को किसी तरह से रोका जाए। तो हमारा आपसे यही आग्रह होगा कि आप स्वामी जी के साथ रहिए और इनको जो है, इनका भी मतलब एक शक्ति मिलेगी, स्वामी जी को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। बाकी तो अपने आप में सक्षम है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। कहीं आपकी कोई समस्या होता है, आप सरल हैं। सबसे एक चीज मैंने देखी है, सब लोग बहुत सरल हैं स्वभाव के, और स्वामी जी हमारे बीच में, मेरे को इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए आप सभी को सबसे पहले मेरा प्रणाम, आप सभी मातृशक्ति और युवाओं को और यहाँ बैठे समस्त अतिथिगणों को मैं कहना चाहूँगा, देखिए आज हमारे भारती जी ये सिर्फ मात्र एक नाम नहीं है, ये एक मौका है ना कि सिर्फ खुद को रूपांतरण में लाने का, इस समस्त उत्तराखंड को एक ज्योति के रूप में जिस तरह उन्होंने जागृत करने का प्रयास अपना पूरा जीवन समर्पित कर किया है, मुझे लगता है कि यहाँ ऐसी चिंगारी हमारे सभी उत्तराखंडियों का कि हमें ऐसे मिले, इस रूप में मिले, जिन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित, एक बाला साहब ठाकरे की तरह ही मैं कहूंगा, शायद बाला साहब ठाकरे की तरह पूरा अपना जीवन एकजुट करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया, ना कि सिर्फ समर्पण भाव से, अपना तन मन धन। मुझे लगता है कि इस सब में आपको भी आगे आकर उनका साथ देना चाहिए, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, इसमें करने के लिए होना चाहिए।